लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सावन सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी में अपनी भोले भक्ति का जमकर प्रदर्शन किया। देखिए किस तरह से मंत्री जी अपने साथी नेताओं और विधायकों के साथ थिरकते नजर आए। सावन के महीने में नाग पंचमी का अवसर राजनेताओं के लिए भी भोले की भक्ति में रमने का बड़ा अवसर लेकर आया। इसी क्रम में उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी भोले की भक्ति में डूबे नजर आए और हाथों में शिवजी का डमरू लेकर राजा महाकाल की शाही सवारी में सम्मिलित हुए। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ देवास कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजा ने विधायक रामलाल मालवी सहित कई नेता भी शाही सवारी में उपस्थित थे। सवारी में पूरे लाव लश्कर के साथ राजा महाकाल अपनी प्रजा को दर्शन देने निकले। इस अवसर पर जय श्री महाकाल की गूंज भी सुनाई दी। शाही सवारी में भोले की भक्ति में डूबे मंत्री वर्मा ने कहा कि वे महाकाल की सेना में पालकी उठाने के लिए सम्मिलित हुए हैं। आज के लिए आज एक साथ हैं सारे नक्षत्र, तो इस उज्जैन की पवित्र धरती पे हम सारे लोग भगवान महाकाल की पालकी को उठा के पूरे नगर का भ्रमण उनकी सेना के रूप में करेंगे कि महाकाल की भगवान आपकी सेना हमेशा आपके साथ। वैसे इस मौके पर मंत्री वर्मा का अंदाजे बयां भी देखते ही बन रहा था और शिव भक्ति में लीन मंत्री जी ने कश्मीर से हटाई गई धारा 370 को लेकर भी बेबाकी दिखाई। लोकतंत्र है, आपकी चुनी हुई सरकार है, आप चुनी हुई सरकार बहुमत की जो निर्णय लो, दादागिरी से लो, भय व्याप्त करके लो, हम कौन। कुल मिलाकर उज्जैन में शाही सवारी में मंत्री जी का सज्जन अंदाज देखते ही बन रहा था और वो भोले की भक्ति में अपनी अभिव्यक्ति करते दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।